देश के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में वृहद हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछ रहा है। पहली बुलेट ट्रेन वर्ष 2027 से आम लोगों के लिए चलना आरंभ कर देगी और इसका ट्रायल वर्ष 2026 में ही हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपके लिए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की विशेष जानकारी लेकर के आए हैं तथा आपको इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नवीन जानकारी के साथ इसकी वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी देंगे और आपके मन में उठ रहे कई प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत में जब बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनी तो इसमें सबसे पहले मुंबई से लेकर के कर्णावती तक अर्थात वर्तमान के अहमदाबाद को चुना गया था तथा इस परियोजना की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है एवं इसमें कुल 12 स्टेशन बनने हैं जिनके की नाम आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के अंतर्गत जो 508 किलोमीटर लंबाई की पहली बुलेट ट्रेन ट्रैक बननी है उस 508 किलोमीटर में से 352 किलोमीटर का भाग गुजरात में और दादर नगर हवेली में 4 किलोमीटर और शेष 156 किलोमीटर का भाग महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई से अहमदाबाद के मध्य में बन रहा देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पहले इसको पूरा करने का टारगेट वर्ष 2023 तक रखा गया था परंतु गुजरात और महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में देरी ने इस प्रोजेक्ट को लटका दिया। बाकी रही कसर कोविड ने भी पूरी कर दी। अब कहीं जा करके फिर से NHSRCL ने इसके कार्य को गति प्रदान की है। बता दें कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन का परीक्षण 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया जाएगा जो हवाई जहाज के टेक ऑफ गति के समतुल्य है। अधिकारियों के अनुसार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला परीक्षण वर्ष 2026 में गुजरात के बिलिमोरा और सूरत के मध्य में किया जाएगा। इसके पश्चात अन्य भागों में होगा। इन हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अधिकारियों के अनुसार बुलेट ट्रेन विशेष पटरियों अर्थात स्लैब ट्रैक सिस्टम पर चलेंगी जिसे कि जापान द्वारा पेटेंट किए गए ट्रैक के निर्माण के लिए HSR तकनीकी के रूप में जाना जाता है जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेनें इन रेल पटरियों पर चलने के लिए उपयुक्त होती हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में तेजी लाने और परीक्षण के लिए गति प्रदान किया जा रहा है तथा विशेष यह है कि गुजरात में NHSRCL ने पहले ही परियोजना के लिए आवश्यक 99% भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। बता दें कि मुंबई से अहमदाबाद के मध्य में बन रहा देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कार्य तेज गति से चलने लगा है। चूंकि जापान के सहयोग से इस पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य चल रहा है इस कारण से इस प्रोजेक्ट को लेकर जापान भी अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। यही कारण है कि जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी भी डेलीगेशन के साथ गुजरात पहुंचे और कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण किया। आपके मन में प्रश्न होगा कि कब तक चलेगी यह पहली बुलेट ट्रेन, तो आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2026 में मुंबई अहमदाबाद के मध्य में बुलेट ट्रेन का ट्रायल आरम्भ हो जाएगा। इसके पश्चात 2027 की आरम्भ में देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। सूरत से बिलमोरा के मध्य में लगभग 50 किलोमीटर के भाग में यह ट्रायल आरंभ होगा। गुजरात में 99% भूमि का अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है और तेज गति से निर्माण कार्य चल रहा है। और आपके मन में यदि यह प्रश्न है कि क्यों पूरा नहीं हुआ यह प्रोजेक्ट अपने तय समय पर, तो आपको बता दें कि इसका बड़ा कारण है महाराष्ट्र में स्थानीय राजनीति अर्थात BJP और शिवसेना के मध्य बिगड़े राजनीतिक समीकरण का प्रभाव इस प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है और स्थानीय सरकार के असहयोग के चलते मुंबई में प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ। परिस्थिति ये रही कि बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई कुर्ला टर्मिनल का टेंडर 11 बार NHSRCL को रद्द करना पड़ा। अभी भी महाराष्ट्र में 68% भूमि ही इस प्रोजेक्ट को मिल सकी है। बहरहाल यह प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रतिदिन कामकाज का लेखा जोखा लेते हैं और रिपोर्ट प्रधानमंत्री को जाती है। केंद्र सरकार का प्रयास ये है कि भले ही इस प्रोजेक्ट में देरी हुई परंतु देश की पहली बुलेट ट्रेन का स्वप्न हर हाल में पूरा होना चाहिए। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार अब तक इस प्रोजेक्ट में गुजरात के भीतर अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है।
गुजरात में अहमदाबाद का साबरमती रेलवे स्टेशन लगभग बन करके तैयार है। दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी चल रहा है। बिलीमोरा, वडोदरा, आनंद, वापी, सूरत एवं भरूच के रेलवे स्टेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के मध्य में आने वाली नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती जैसी नदियों पर पुल का निर्माण कार्य भी जोरों शोरों से चल रहा है। जापान से प्राप्त डिजाइनों का उपयोग करते हुए विकास पूर्ण अवधि लॉन्चिंग विधि के माध्यम से किया जा रहा है, जो विश्व की सबसे परिष्कृत पुल निर्माण तकनीकी में से एक है। बिलीमोरा और सूरत के मध्य NHRCL ने प्रति माह 200 से 250 स्तंभ बनाए हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत सबसे लंबा पुल जो नर्मदा नदी पर अशांत हवाओं के साथ साथ ज्वर की लहरों के साथ बनाया जा रहा है तथा यह जुलाई वर्ष 2024 तक पूरा हो जाएगा। अब हम आपको इस बुलेट ट्रेन की विशेषताओं की जानकारी देते हैं। भारत की इस महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान की हाई स्पीड की ट्रेन शिंकानसेन को ही भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप से ढाला जा रहा है। भारत के तापमान, धूल और भार के अनुरूप से इस ट्रेन में परिवर्तन किया जा रहा है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में सबसे पहले आने वाली E5 सीरीज ट्रेन हिताची और कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित जापानी शिंकानसेन हाई स्पीड ट्रेन का ही एक प्रकार है। ये ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम है और यह 3.35 मीटर चौड़ी है। इस प्रकार की ट्रेनों में सबसे चौड़ी ट्रेन केवल फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में ही उपलब्ध है। जापानी इस पहलू पर भी कार्य कर रहे हैं कि ये ट्रेनें भारतीय वजन ढोने में सक्षम हो, क्योंकि जापानियों का भार कम होता है। जापान आरंभ में 6 ट्रेनें भारत को भेजेगा, जो भारतीय विनिर्देशों के अनुसार संशोधित की गई हैं और देश में यहाँ असेंबल करने के लिए नॉकडाउन स्थिति में कोच भी लाएंगे। बता दें कि जापान की E5 श्रृंखला की शिंकानसेन हाई स्पीड ट्रेन एक बेहतर ट्रेन है, क्योंकि यह श्रृंखला कई वर्षों से चल रही है। इसलिए जब तक भारत की बुलेट ट्रेन होंगी तो उन्हें नवीनतम तकनीकी से अपडेट भी किया जाएगा। यह भी बता दें कि ट्रेनों की यह श्रृंखला जापान के उत्तरी भाग में चल रही है और विभिन्न सुरक्षा उपायों से सुसज्जित हैं। इसमें भूकंपरोधी तकनीकी है। इस बुलेट ट्रेन के निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की अब जानकारी दें तो आपको बता दें कि गुजरात और दादर एवं नागर हवेली में पूरे मार्ग के निर्माण के लिए 100% सिविल ठेके जारी हो चुके हैं, अर्थात 352 किलोमीटर भारतीय ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं एवं इसमें से भी गुजरात में 237 किलोमीटर के लिए ट्रैक का कार्य पहले ही दिया जा चुका है और शेष 115 किलोमीटर का कार्य शीघ्र ही दिया जाएगा। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है तथा बुलेट ट्रेन की गति से अहमदाबाद और मुंबई नगर के मध्य यात्रा करने के लिए 2 घंटे 58 मिनट ही लगेंगे, अर्थात 3 घंटे से कम समय में मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के मध्य की दूरी को तय किया जा सकेगा। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। हम आगे भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप व टेलीग्राम आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।